हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जी के माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेर ए काश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू जी एंट्रेंस एग्जाम पेपर टू थाउजेंड ट्वेंटी तो इसका हम ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके इसके अलावा आप यदि अभी तक हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जी के को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे डायरेक्ट उधर पे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा यदि आप अदर सोशल मीडिया में भी आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको इसकी लिंक दे दी गई है हमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप वहाँ से भी हमें फ़ॉलो कर सकते हैं तो हम यहाँ सेक्शन सी सीरीज सी का पेपर हम डिस्कस करेंगे आज तो इधर पे हम देखेंगे तो इधर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स के क्वेश्चन इसमें हम बात करते हैं तो इसमें फ़िजिक्स का जो फ़िज़िक्स के क्वेश्चन आपको वन से फोर्टी फाइव तक के दिए हैं अटैम्पटेड बाय कैंडिडेट ऑफ ऑल स्ट्रीम्स के इसको अटैम्प करना पड़ेगा फिजिक्स के क्वेश्चन को चाहे वो मैथ्स वाला हो या बायोलॉजी वाला हो द जो क्वेश्चन नंबर वन है वो है द बल्क मॉड्यूल्स ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस इज टू देखो बल्क मॉड्यूल्स जो है स्पेरिकल ऑब्जेक्ट बी का ठीक है बी का है इट इज़ इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर यदि इसका जो यूनिफॉर्म प्रेशर है वो पी है तो फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना होगा रेडियस में तो आपको ये बताना है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर है पी अपॉन थ्री बी ओके दैन हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो आपका दे रहा है आ इसमॉल ऑफ रेडियस आर आर रेडियस स्मॉल स्पेयर की ठीक है फॉल्स फ्राम रेस्ट इन बिस्कस लिक्विडिटी वो क्या हो रहा है बिस्कस लिक्विडिटी से रेस्ट हो रहा है गिर रहा है एज अ रिजल्ट ही इट प्रोड्यूस ड्यू टू विस्कस फोर्स विस्कस फोर्स के प्रोड्यूस uh, होने से रिजल्ट क्या होता है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट वैंड दिस फेयर अटेन्स इट्स टर्मिनल वेलिसिटी इज प्रपोर्सन टू किसके प्रपोर्सन होती है इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए आर टू द पॉवर फाइव के इक्वल होगी नेक्स्ट है एन आइडल गेस इज एक्सपांड सच एज पी टी स्क्र इज इक्वल टू ए कांस्टेंट दिया है ना एंड देन बोल रहा है कफिशियंट को ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन ऑफ द गैस इज तो इसका आंसर होगा थ्री का सी इज करेक्ट आंसर थ्री अपॉन टी नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन नंबर फोर सी पी एंड सी बी डी नोट द स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास ऑफ एन आइडल गैस ऑफ मोलिकुलर वेट एम तो जो स्पेसिफिक हीट है स्पेसिफिक हीट क्या होती है यहाँ पे बता रहा है कि एक यूनिट मास ऑफ आइडल गैस ऑफ मोलिकुलर वेट एम देन आपको बताना है इसका आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर सी पी माइनस सी इज इक्वल टू आर अपॉन एम नेक्स्ट है टू पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलॉन्ग टू क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइन साइड बाई साइड विद द सेम फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड तो बता रहे दो पार्टिकल हैं ऑस्लिंग है दो तो, uh, पैरल स्ट्रेट लाइन के बीच में साइड बाई साइड है ना सेम फ्रिक्वेंसी में एम्पलीट्यूड में दे पास ईच अदर वो एक दूसरे को पास करते हैं मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन वैन दे डिस डिसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड द मेन पोजिशन ऑफ टू पार्टिकल्स लाइ ऑन अ स्ट्रेट लाइन पर पेंटिकुलर टू द पार्स ऑफ द टू पार्टिकल्स फेस डिफरेंसिस तो इसका जो फेस डिफरेंस है वो क्या होगा ऑप्शन नंबर बे इस करेक्ट आंसर टू पाई अपॉन थ्री नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन नंबर सिक्स इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हारमोनिक बेब इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू थ्री साइन पाई अपॉन टू तो ये बता रहा है फिफ्टी टी माइनस एक्स पेयर एक्स एंड पाई जो है इन uh, मीटर्स में दिए हैं एंड टी इन सेकेंड ठीक है टी किसमें सेकेंड में दिया है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द बेब वेलोसिटी इज सो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है बेब वेलोसिटी में वो क्या होगी तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका होगा थ्री अंट टू पाई नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन तो वैन टेन टू द पावर नाइनटीन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल प्लेट थ्रो सम तो क्या होते हैं कब कुछ एक न्यूट्रल मेटल प्लेट में कुछ प्रोसेस के द्वारा टेन टू द पावर नाइनटीन इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाते हैं तो उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें रह जाते हैं तो प्लस वन पॉइंट सिक्स कलॉम ठीक है नेक्स्ट है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मास एम वन एंड एम टू आर एक्सिलरेटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रो द सेम डिस्टेंस वॉट इज़ द रेशो ऑफ देयर एक्सेरेशन इफ़ देअर रेशो इज ऑफ मासेज इन एम वन अपन एम टू इज टू जीरो पॉइंट फाइव तो आपको बता रहे कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं मास दिए गए हैं आपको मास दिए गए एम वन और एम टू और उसकी जो एक्सेलेशन है वो स्पीड जो है एक्सेशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रो सेम डिस्टेंस से तो इसका जो रेशो होगा एक्सेलेशन का रेशो ऑफ मासेज का जो इजिक्वल टू आपको दिया है ये जीरो पॉइंट फाइव तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट का आंसर रहेगा सी ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू टू ठीक है एंड देख से इक्वे पोटेंशियल्स एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्ज इज होल हु इज नॉट जीरो और अप्रोक्सीमेटली तो इक्वी पोटेंशियल किसी भी ग्रेटर डिस्टेंस का कलेक्शन होता है चार्ज का जो कि टोटल सम के जीरो के इक्वल नहीं होता है तो नाइन का इस करेक्ट आंसर होगा ए स्फीयर्स आ पॉजिटिव चार्ज इज रिलीज फ्राम रेस्ट इन ऑल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज तो इसका आंसर सी इज करेक्ट आंसर डिक्रीज इज़ बिकॉज द चार्ज अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर इलेवन इज द सप्लाई वोल्टेज टू रूम इज वन टी वोल्ट रजिस्टेंस ऑफ लेट फायर इज सिक्स होम आल्ब इज ऑलरेडी स्विच्ड ऑन तो यहाँ पे बता रहे सप्लाई वोल्टेज है रूम से कितना है वन ट्वेंटी वोल्ट है जो रेजिस्टेंस है लीड बायर का वो सिक्स ओम है एक जो सिक्सटी वाट का बल्ब है वो ऑलरेडी स्विच्ड ऑन है व्हाट इज द डिक्रीज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब वैन टू फोर्टी वॉट हीटर इज़ स्विचड ऑन टू अ पैरल टू द बल्ब अब क्या होगा आपको ये बताना है कि कितना डिक्रीज होता है बेल्ट वोल्टेज में यदि हम लोग दो सौ चालीस वाट का हीटर का स्विच ऑन करेंगे पैरल से बल्ब में इसका आंसर जाएगा डी टेन पॉइंट ज़ीरो फोर वोल्ट ठीक है नेक्स्ट है वैन फाइव बी ठीक है फाइव वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड

टू द पावर माइनस थ्री द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज क्लोज टू तो रजिस्टिविटी होगी माइनस फाइव ओम ठीक है नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर थर्टीन टू आइडेंटिकली लॉन्ग कंडक्टिंग बाय ए ओ बी एंड सी ओ डी आई प्लीज एट राइट एंगल टू इच अदर विद एव दच दैट ओ इज द देयर कॉमन पॉइंट फॉर टू दायर कैरीज आई थ्री और आई वन करेंट रिस्पेक्टिवली पॉइंट पी इज लाइंग एट डिस्टेंस डी फ्रॉम ओ अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर पेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वायर्स मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी पे क्या होगी तो इसका आंसर डी इज करेक्ट आंसर ठीक है म्यू अपॉन टू पाई डी एल वन स्क्वा प्लस एल टू स्क्वायर इसका रूट है ना टू आइडेंटिकल पायर्स ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ जो एल इज कैरी द सेम करंट आई वायर ए इज वू सर्कल ऑफ रेडियस आर बायर बी इज बेन टू द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ अ साइड ए तो इसमें बता रहे हैं दो आइडेंटिकल पायर है ए ए और बी है लेंथ एल कैरी करता है और सेम करंट उसमें है आई आई को है ना आई क्या है इसमें करंट है तो जो ए है उसको हम क्या कर देते हैं मोड़ के इसको हम सर्कल बना देते हैं और जो बी वायर उसको हम लोग उसको बैंड करके स्क्वायर बना देते हैं स्क्वायर बना देते हैं साइड है, 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 ए उसके बाद बोला है बी ए और बी बी जो बोला है आर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली बी ए अपॉन बी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन एट भाई अ करेंट ऑफ फाइव मिली एम्पियर इज पास थ्रू अ कैल्बेनोमीटर हैविंग अ कॉयल ऑफ रजिस्टेंस फिफ्टीन ओम इट सोज फुल स्केल डेफ्लिक्शन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द कैलबोमीटर टू कन्वर्ट एट इन टू वोल्टीटर जीरो आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर वन Into ten to the power three ohm. The uh, correct coercivity of a small magnet, where the f ferromagnet uh, get demagnetized, is uh, three into ten to the power three m am, am inverse. The current required to be passed in a solenoid of uh, length ten centimeter, number of turns hundred, so that the magnet get dem demagnetized. वेन इन साइड द सोलिनाइट तो आपको बताना है कि इस पर डे मैगनेटाइज इन साइड द सोलिनाइट है तो क्या कैसा है आपको यहाँ पर बताओगे तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए थ्री एम्पियर नेक्स्ट है सेवेंटीन क्वेश्चन ए फिफ्टी हर्ट्स AC current करंट ऑफ value वैल्यू ए वन एम्पियर फ्लोज थ्रो आ प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर तो जो फिफ्टी हर्ट्स का ए सी है वो करंट हो रहा मतलब कि वैल्यूज इसकी एक एम्पियर है वो फ्लो कर रहा है प्राइमरी ट्रांसफार्मर में इफ़ द मेचर इंडक्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी विज़ जीरो पॉइंट फाइव एच द क्रिस्ट क्रिस्ट वोल्टेज इंडक्टेंस इन द सेकेंड्री इज दंसर सेवेंटीन का सी इज करेक्ट आंसर हंड्रेड वोल्ट ट्रांसफॉर्मर है प्राइमरी आर इसका आंसर आपका फोर फिफ्टी बोल्ट एंडीन एम्पियर नेक्स्ट है एंड इंडर एंड इंडक्टर ट्वेंटी मिली हर्ट्स आ कैपेसिटर फिफ्टी माइक्रो एफ ठीक है फ्रिक्वेंसी आ रजिस्टर जो है फोर्टी माइक ओम की है आर कनेक्टेड इन सीरीज एक्रोस सोर्स ऑफ ई एम एफ वोल्ट इज इक्वल टू टेन साइन थ्री फोर्टी टी द पावर लॉस इन ए सी सर्किट इज जो पावर लॉस होगा ए सी सर्किट का वो कितना होगा डी इज करेक्ट आंसर है जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स वॉट अरेंज द फॉलोविंग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन पर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि हमको इसमें करेक्ट आर्डर में जमाना है इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग रेडिएशंस को ब्लू लाइट येलो लाइट एक्स रेज और रेडियो वेव तो इसका बी जो से ट्वेंटी का आंसर है इसका होगा ए इसका करेक्ट आंसर पहले रेडियो वेव देन आपका बी येलो लाइट और देन आपका होगा ब्लू लाइट एंड देन एक्स रेज ट्वेंटी वन का क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो है आ सोर्स ऑफ लाइट लाइज ऑन द एंगल बाई सेक्टर ऑफ टू प्लेन मिरर इनक्लाइंड एट एन एंगल थीटा द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन मिरर डज नॉट रीच द अदर mirror विल be so, एक सोर्स लाइट लाइज एंगल वाई सेक्टर है टू प्लेन मिरर में इंक्लाइंड होता है एंगल थीटा तो वैल्यू ऑफ थीटा जो है रिफ्लेक्ट करेगी मिरर में डज नॉट रीच द अदर अदर मिरर विल बी क्या होना चाहिए ट्वेंटी वन का एज करेक्ट आंसर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री A car is fitted with a convex side view mirror of focal length 20 cm. A second car 2.8 m behind the first car is overtaking the first car at relative speed of 15 meter per second. The speed of the image of the second car is 7. And as seen in the mirror of the first one is the 22 car answer is A, 1 upon 15 meter per second. ज अजिंगीटर इज मैग्नीट्यूड ऑफ फिफ्टीन सेंटीमीटर फॉर अ कन्वर्जिंग ट्वेंटी सेंटीमीटर तो बता रहे है जिसकी फोकल लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एक उसको फिफ्टीन सेंटीमीटर के हम क्या करते हैं डिस्टेंस के प्लेस में उसको रखा गया है एक कन्वर्जिंग लेंस से जिसकी लेंथ फोकल लेंथ है ट्वेंटी सेंटीमीटर तो बीम ऑफ पैरल लाइट्स फॉल्स ऑन द डाइवर्जिंग लाइन्स फाइनल इमेज फॉर्म तो फाइनल इमेज जो इससे बनेगी वो कौन सी बनेगी सी इज़ करेक्ट आंसर रियल एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जेंट लाइन कन्वर्जिट लेंस से जो रियल और कैसी वो रियल तो बनेगी इमेज इसके साथ साथ फोर्टी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर भी बनेगी नेक्स्ट ट्वेंटी फोर क्वेश्चन इज तो आ थिट्रिज ऑफ एंगल फिफ्टीन डिग्री मेड ऑफ क्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी is equal to 1.5 uh, is combined with another prism of class refractive index mu mu is equal to 1.75. The combination of prism reduces this person without deviation. Angle of the second prism would be jo angle hoga, second prism. B is correct answer 10 degree. Young's uh, double slit uh, experiment is first performed in air and then in a medium, medium other than air. It is found uh, that 8th bright ring

of through another polaroid b which is oriented so that its principal plane makes an angle of 45 degree relative to that of a uh, the intensity of emergence emergent light is This answer so c is correct answer i 0 upon 4 when uh, next question is, when the energy of incident radi radiation is increased by 20 percent the kinetic energy of फोर्टो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्राम अ मेटल सर्फिस इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन बोल्ट एंड टू जीरो पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन बोल्ट द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज इसका जो वर्क फंक्शन होगा वो क्या होगा बी इसका रेक्ट आंसर इज वन पॉइंट जीरो इलेक्ट्रॉन बोल्ट नेक्स्ट है ट्वेंटी एट का द डी ब्रॉगली वेबलेंथ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद द वेलिसिटी ऑफ टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द एट मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेब लेंथ ऑफ फोटोन तो जी ड्रो डी ड्रॉगले वेब लेंथ है वो पार्टिकल की वो वेलोसिटी जो है इसकी टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड है इस इक्वल होती है वेब लेंथ ऑफ फोटोन के द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ़ द पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ फोटो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड तो आपको इसकी आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देना है इस पर ट्वेंटी एट का जो क्वेश्चन है बी करेक्ट आंसर थ्री एट है ना नेक्स्ट जो आपका है हाइड्रोजन एटम्स इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ठीक है लांबा इज इक्वल टू क्या दी आपको नाइन सेवेंटी फाइव एंग ठीक है ऑफ स्पेशल लाइंस इन रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम इमिटेड बाय इसका आंसर जगह सी सिक्स रेडियो एक्टिव मटेरियल एच डी के कॉन्स्टेंट एट ठीक है एंड देन आप एंड मटेरियल बी हैज डी के कॉन्सेंट एंड इनिशियल दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर दैट आफ्टर वॉट टाइम ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल्स दैट ए एज विल बी वन अपॉन ए इज इक्वल टू तो आपका आंसर जो होगा बी इज़ करेक्ट आंसर ठीक है एंड देन थर्टी वन के क्वेश्चन की हम बात करें द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ थ्री लिथियम सेवन टू हीलियम फोर न्यूक्लियाई आर जो फाइव पॉइंट सिक्स जीरो ठीक है मेगावाट जो दिया आपको फिर एन देन सेवन पॉइंट जीरो सिक्स ठीक है मेगावाट रिस्पेक्टिवली इन द न्यूक्न रिएक्शन जो आपको दिया है यहाँ पे रिएक्शन द वैल्यू ऑफ क्यू एनर्जी क्यू इज़ रिलीज तो इसमें आपको बताना है थर्टी वन का डी हो जाएगा सेवेंटीन पॉइंट थ्री ठीक है एंड नेक्स्ट बात करें द पी एन जंक्शन वेरियर पोटेंशियल ऑफर रजिस्टेंस टू पी एन जंक्शन है वेरियर किसका है पोटेंशियल ऑफर रजिस्टेंस टू इसका आंसर आपका होगा सी इज़ करेक्ट आंसर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एंड रीजन एंड होल्स इन पी रीजन तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे रहते हैं एंड रीजन में और जो होल्स हैं वो कहाँ है पी रीजन में है नेक्स्ट है द मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड इज ड्यू टू मैनिफेस्टेशन है बैंड स्ट्रक्चर का सॉलिड में ये किस कारण से होता है थर्टी थ्री का जो है वो बी इज करेक्ट आंसर पाउलीस एक्सक्रूशन प्रिंसिपल के द्वारा आपको यहाँ पर बताया गया है थर्टी फोर में इफ फोर्स मतलब फोर्स को एफ से टाइम को टी से आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स द डायमेंशन ऑफ आर इसका जो डायमेंशन होगा आ, क्या होगा थर्टी फोर का क्वेश्चन है आंसर है वो है टी एफ वी वी टी इनवर्स टी आ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन इन, एक इन सच वे इन सच अ वे दैट इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट वेरी विद टाइम अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग uh, टू आपका थर्टी फाइव का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर ओके देन आप देख रहे हो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एटीन आई या प्लस आ, यहाँ पे टेन जे तो आप इधर से इक्वेशन दे दी गई आप इससे दे, देख लोगे थर्टी सिक्स का जो क्वेश्चन है वो है अ बॉडी ऑफ मास एम एम मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ टू मीटर पर सेकेंड तो जो एक बॉडी का मास है एम जो कि मूव कर रहा है एक स्ट्रीट लाइन में हाफ डिस्टेंस को कवर करता है कितनी स्पीड के साथ टू मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर इन इक्वल टू टू इक्वल टाइम्स इंटरवल्स विद स्पीड ऑफ थ्री मीटर पर सेकेंड तो जो मैंने बचा हुआ जो टाइम है दो इक्वल टाइम इंटरवल्स में स्पीड वो तीन मीटर पर सेकेंड रखता है एंड फाइव मीटर पर सेकेंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंटायर जर्नी पूरी जर्नी में उसकी जो एंटायर uh, एवरेज स्पीड थी कितनी थी तो एट थ्री मीटर पर सेकेंड थी थर्टी सेवन का अबॉडी इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट velocity versus टाइम तो एक बॉडी जो कि हम बर्टिकली ऑफ वर्ड्स की ओर फेंकते हैं तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा थर्टी सेवन का बीज करेक्ट आंसर आपका जो बी देख रहे हो आप ग्राफ को ये इस टाइप का कुछ ग्राफ हमको मिलेगा आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर के एक बॉडी को फेंका तो वो ऑफ वर्ड आएगा दिन ठीक है तो ऐसा भी आपका ग्राफ्ट बनेगा uh, for a particle in uniform circular motion, the acceleration a at a point P आर थीटा ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर इस हेयर थीटा इज मेजर फ्रॉम द एक्स एक्सेसिस इसको मेज़र किया जाता है थर्टी एट का बी और डी दोनों करेक्ट होंगे आंसर एंड देन थर्टी नाइन का स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एच इन हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंट बी इज इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अर वेट हंड्रेड परसेंट मोर देन आर प्रीवियस हाइट मोमेंटम पैन इट इज़ हिट इन द ग्राउंड विल बी चेंज सो एक स्टोन क्या किया जाता है ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम हाइट एच से आप बात करें हिट्स इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ सर्टिन मोमेंट के मोमेंटम के साथ ही हाँ, ग्राउंड को हट्स करता है हिट्स करता है यदि सेम स्टोन को हम ड्रॉप करते हैं हंड्रेड परसेंट हाइट के साथ तो इसकी जो प्रीवियस साइट है मोमेंटम कितना होगा जो कि हिट करेगा ग्राउंड को तो इसका थर्टी नाइन का बी है फोर्टी वन परसेंट अ बॉडी ऑफ मास फोर्टी किलोग्राम रेस्टिंग ऑन रफ हरिजोनटल सर्फिस इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स पी विच इज जस्ट एन टू स्टार्ट द मोशन ऑफ द बॉडी इफ क्यू म्यू एज इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव म्यू के इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर जी इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द फोर्स पी इज कंटिन्यूअसली अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द एक्सेशन ऑफ अर बॉडी इज इसका एक्सेशन क्या होगा बी इज करेक्ट आंसर वन मीटर पर सेकेंड फोर्टी वन का है आ इन अ कोल इनियर कोल्यूजन आ पार्टिकल विद इनिशियल स्पीड बी जीरोक्स आ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ द सेम मास इफ द फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज फिफ्टी परसेंट ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू पार्टिकल्स आफ कोल्यूशन इज इसमें आंसर आएगा आपका बेस करेक्ट आंसर रूट टू वी जीरो एन एक्स है दि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट्स वर्टिकस वर्टेक्स इज जेड जीरो इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज आर इसकी जो रेडियस है आर है हाइट एच है और देन जेड जीरो इज इक्वल टू जो जेड जीरो है वो किसके इक्वल है तो आपको यहाँ पर बताना है तो फोर्टी टू का जो आंसर होगा वो होगा बी इज करेक्ट आंसर थ्री एच अपॉन फोर अ डिस्क एंड अ सॉलिड स्पेयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट इज रोल ऑफ ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ एट द सेम एल्टीट्यूड एंड लेंथ विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट तो फोर्टी थ्री का जो आंसर होगा वो होगा ए इज़ करेक्ट आंसर सॉलिड स्पेयर अ सॉलिड स्पेयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इन फ्री

ओके okay, नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है हमने अभी तक यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन पढ़े थे फोर्टी फाइव क्वेश्चन तक अब हम फोर्टी सिक्स से फोर्टी नाइन जो क्वेश्चन है वो आएंगे हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं इससे तो केमिस्ट्री के हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे फोर्टी फाइव क्वेश्चन को सो so, जो जो सी ओ सी ओ थ्री है ठीक है देन कॉपर कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है आर आपको बताना ऑक्सीडाइज है सो करता है क्या सो so करता है ये फोर्टी सिक्स का आंसर होगा बी बेसिक नेचर ये सो so करता है एक्स वाई टू डिसोसिएट्स एक्स एक्स वाई टू एस एक्स वाई टू आपको यहाँ पे रिएक्शन होगी एक्स वाई गैस है बाई गैस है इनिशियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई टू का जो इनिशियल प्रेशर है वो है सिक्स हंड्रेड मिलीमीटर एच जी द टोटल प्रेशर इक्वलीबियम इज एट हंड्रेड मिली मीटर एच डी एज्यूमिंग वॉल्यूम ऑफ सिस्टम टू रिमेन कॉन्स्टेंट द वैल्यू ऑफ के ए बी इज तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा फोर्टी सेवन का होगा बी इसका आंसर हंड्रेड ओके एंड दैन नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बाय वाटर मोलिक्यूल मतलब कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमको वाटर मोलिक्यूल्स में बनते हैं तो वो फोर्टी एट का आंसर है डी चार है ना नेक्स्ट है फोर्टी नाइन का विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स इज रिप्रेजेंटेड बाई ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा तो फोर्टी नाइन का आंसर होगा सी इज़ करेक्ट आंसर एंड नेक्स्ट है द करेक्ट आई यू पी ए सी नेम ऑफ एफी आई यू पी ए के अकॉर्डिंग जो नेम करेक्ट नेम है एफी ई सी फाइव एच फाइव का होल्डवाइज इज तो इसका आंसर है बी बीज करेक्ट आंसर बीस ठीक है साइक्लोपेंटाडाइनिड आयरन ठीक है इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो यू ए आई यू पी ए सी के नाम से इसको ऐसे पढ़ते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर इसमें से कौन सा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है वो है सी

इतने मॉलिक्यूल्स यूरिया के प्रेजेंट हैं कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इस तो कंसनट्रेशन क्या होगा सॉल्यूशन का जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर आइस एंड वाटर कैप्ट इन परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में है और uh, क्या कर रहे हैं ये अलग अलग है एड्स टू सेवेंटी थ्री कैलविन में एटमोस्फर प्रेशर इक्वेबेरियम स्टेट में कैसा होगा उसका सिस्टम होगा इसका आंसर सी इज करेक्ट आंसर सॉलिड लिक्विड इक्लेबेम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज टू प्योरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स के यूज़ करने के लिए होते हैं कॉपर और जिंक के नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिमर कन्वर्टर इज़ यूज टू प्रिपरेशन ऑफ बेसिमर कन्वर्टर का यूज़ हम लोग स्टील के प्रिपरेशन के लिए करते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट टुगेदर एंड एनक्लोज इन सेपरेट बेसल्स तो ये जो इक्वल वॉल्यूम के दो गैसेस हैं वो क्या अलग अलग सेपरेट वेसल्स में हैं और इनके जो प्रेशर है उनका हंड्रेड मिलीमीटर mm और टू फोर हंड्रेड मिलीमीटर है यदि दो वेसल्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है तो इसका जो प्रेशर है वो कितना मिलेगा इसका आंसर होगा डी इज़ करेक्ट आंसर टू फिफ्टी मिलीमीटर नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सटेट लॉरी कंसेप्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस फॉलोज द ऑर्डर तो इसका आंसर होगा फिफ्टी नाइन का सी इज करेक्ट आंसर ओ एच इज ग्रेटर देन सी एस टी सी ओ इज ग्रेटर देन क्लोरिन एटोमिक रेडाई ऑफ एल्कलाइन मेटल्स एम फॉलो द ऑर्डर लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम बट आयोनिक रेडाई इन एक्व सोल्यूशन फॉलो द रिवर्स ऑर्डर लिथियम सोडियम पोटेशियम रोबीडियम द रीज़न ऑफ रिवर्स ऑर्डर इज इसका रीजन का क्या है रिवर्स होने का द इन द अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन में अमाउंट में डिक्रीज होना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ई एन इज इक्वल दिकल इथिलीन डाई एमिन तो इसका आंसर है डी सिस सी ओ ई एन का होल्ड वाइज और सी एल टू मतलब की एन यहाँ पे इथिलीन डाई एमिन है बोथ बेरियम और एल्यूमिनियम बिकम कम्प्रेसिव ऑन रिएक्शन विथ कंसनट्रेटिक कंसनट्रेशन नाइट्रिक एसिड ड्यू टू तो इसका आंसर होगा सिक्सटी टू का सी इज करेक्ट आंसर द फॉर्मेशन ऑफ एन इनर्टेट लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल विच ऑफ द फॉलोविंग कैन बी यूज इज अ है हेलाइट कंपोनेंट फॉर फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन तो इसका आंसर होगा दि इज करेक्ट आंसर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड नेक्स्ट है सिक्सटी फोर पोर हैज एन एंड एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इसका जो हाई क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है क्यों होता है तो इसका आंसर है बी इज करेक्ट आंसर स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेज टू इन द कोवल पॉलीमर

एन इज इक्वल टू थ्री एल इज इक्वल टू जीरो एम इज इक्वल टू जीरो एस इज इक्वल टू वन बाई टू नेक्स्ट है सी एस सी टू प्लस एच टू ओ ए, एच टू एस ओ फोर और बी दिया है आपको आइडेंटिफाई करना ए और बी को क्या होगा तो इसका अभी आंसर यही है इसका सी एस सी टू एच टू और सी एस थ्री सी एच ओ सिक्सटी जो एट का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आ ग्रुप विच डीएक्टिवेट्स बेंजीन रिंग बट विच द इनकमिंग ग्रुप प्रिंसिपली ऑफ ओ पोजिशन एंड ओ पी पोजिशन तो इसका आंसर है क्लोरिन ठीक है इसका आंसर सही है बी इज ऑप्शन नंबर करेक्ट आइडेंटिफाई जेट इज द फॉलोइंग सीरीज में आपको जेट को आइडेंटिफाई करनी है सी एच टू डबल वॉन्ट सी एच टू एंड देन आपको ठीक है एच बी आर यहाँ पे हाइड्रोजन हो रहा है फिर आपको सोडियम बाई कार्बोनेट और जेट को आपको क्या करनी है आइडेंटिफाई करनी है सी इज करेक्ट आंसर सी एच आई थ्री इज करेक्ट पोटेशियम आयोडाइड एंड कॉपर सल्फेट मिक्स टू गेट टू टूगेदर तो ये मिलके क्या बनाते हैं एक साथ तो बीस करेक्ट सी इज करेक्ट आंसर के टू एस ओ फोर सी ओ टू आई टू प्लस आई टू नेक्स्ट है पिच ऑफ द फॉलोविंग एसिड्स डी कार्बोक्सुलेन गेट्स आइसोब्यूटेन देता है तो so, इसका आंसर है बी टू टू डाइमिथाइल प्रोपेनिक एसिड नेक्स्ट है द एम्पेरियल एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज सी एच टू ओ इफ इट्स मॉलिकुलर वेट इज वन एटी वन एटी द ऑफ द कंपाउंड

तो इनमें से कौन सा येलो प्रसिपिटेट दे, नहीं देता है आई टू तो और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इसका आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर एच सी एच ओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है बी इज़ करेक्ट आंसर तो इसमें जो है कि करेक्ट नहीं है गोल्ड सोल इज अल लाएफिल, लाइक्फिलिक्स सोल्ड नेक्स्ट है सेवेंटी सिक्स का विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च इज करेक्ट सी इज़ करेक्ट आंसर इट गिप्स अ डार्क ब्लू कलर विथ आयोडीन सोल्यूशन टेरिलीन इज टेरिलीन क्या है तो आपका आंसर है बी आ कंडेशन पॉलीमर विथ पैंजीन रिंग इन एवरी रिपीटिंग यूनिट अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इवॉल्व प्र वेरी एंडप्लेजेंट स्मेलिंग पेपर द कम्पाउंड गुड बी इसका जो कंपाउंड है वो क्या होगा इसका आंसर सी एनिलीन नेक्स्ट है मॉडर्न मॉडर्नि पेरियोसिटी लॉ इज तो इसका आंसर है बी इज करेक्ट आंसर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द अपॉन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो इसका आंसर बी इज करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन करेक्ट फॉर एन आइडल सोल्यूशन एटी का डी इज करेक्ट आंसर है जी मिक्स इज इक्वल टू जीरो नाइनटी परसेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स कम्प्लीटेड इन थर्टी टू मिनट्स में कम्प्लीट होता है पैन बिल नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट रिएक्शन कम्प्लीट है तो फोर्टी सिक्स मिनट में ये कम्प्लीट होगी एंड नेक्स्ट जो है एटी टू का बेयर्स एजेंट इज तो इसका आंसर है बी बेयर का एजेंट जो है क्या होगा इसका सी है सॉरी न्यूट्रल पोटेशियम पर मैगनिन द नॉर्मेलिटी ऑफ वन मोलर सोल्यूशन ऑफ पी एस थ्री पी ओ फोर का जो इसका सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी है वो क्या होगी एटी थ्री का है बी ठीक है नेक्स्ट है द डिसोशिएशन एनर्जी ऑफ मिथेन गैस इज़ थर्टी सिक्स किलो कैलोरी मोलर इन्वर्स एंड दैट ऑफ एथेलिन ठीक है सी टू एच सिक्स गैस इज सिक्स ट्वेंटी किलो कैलोरी मोल इन्वर्स जो जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी ट्वेंटी फोर का होगा सी वन थर्टी किलो कैलोरी मोल इन्वर्स दैट आर ट्राइंगल पाइपेरामिडिल मोलिक्यूल हैज़ बॉन्ड एंगल तो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा नाइन्टी डिग्री एन एग्जाम्पल ऑफ अ साल्ट डिज़ोल्व इन वाटर टू गिव एसिडिक सोल्यूशन इज तो जो एग्जाम्पल है साल्ट डिजोल्व वाटर में जो एसिडिक सोल्यूशन देता है वो है डी इज करेक्ट आंसर बेरियम प्रोमाइड नेक्स्ट है एटी सेवन मिनिमम डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम जो मिनिमम डेवियशन है आइडल गैस का वो एक्सपेक्टेड है किस एटी सेवन का है डी अमोनिया से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन ट्वेंटी टू ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एज तो इसका आंसर है एज करेक्ट आंसर सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द पॉवर ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बोथ आयनिक एंड कोबेलेंट बॉन्ड्स इनमें से कौन सा आयनिक और कोबेलेंट बॉन्ड है तो इसमें है आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर एंड ओ टू टिंडल इफेक्ट इज मोर इफेक्टिवली शोन बाय तो जो टिंडल इफेक्ट है बहुत ज्यादा दिखाई देता है हमको डी इज करेक्ट आंसर सस्पेंसन नेक्स्ट हमारे जो बायोलॉजी का पार्ट स्टार्ट होता है जो कि नाइनटी वन से थर्ट वन थर्टी फाइव के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो कि पी सी बी पी सी बी एम वाले स्टेम्स वाले इसको अटैम्प कर सकते हैं फिर बोले हैं एन एक्शन पोटेंशियल इन द नर्वस फाइबर इज प्रोड्यूस वै पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द आउटसाइड एंड द इन साइड ऑफ एक्जोन मेम्बर आर रिवर्स बिकॉज ऑफ तो क्या होता है जो पोटेंशियल नर्व फाइबर में जो पोटेंशियल एक्शन है वो प्रोड्यूस होता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आउटसाइड और इनसाइड एक्जोन में मेम्ब्रेन में रिवर्स होते हैं तो क्यों होता है क्योंकि ऑल पोटेशियम आयन हैव लीव द एक्जोन तो क्या होते हैं जो सारे पोटेशियम आयन्स होते हैं वो अपने एक्ज को लीव कर देते हैं सिकल सेल एनीमिया इज सिकल सेल एनीमिया क्या है तो एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस डी इज करेक्ट आंसर है मैच द फॉलोइंग फ्रॉम कॉलम वन से कॉलम टू को आपको मैच करना है नाइन्टी थ्री का जो डी है इस करेक्ट आंसर है यहाँ पे हाइपोथेलेमस जो है वो किससे रिलेटेड है एफ एस एच और एल एच से बी जो है वो एंटीरियर पिट्योट्री फाइप से है गोनाड्रोपटिन रिलीजिंग हारमोन एंड टेस्टीज जो है टेस्टीज जो है एंड्रोजन से है डी इज डी का जो है ओबरी एस्ट्रोजन एंड एक्स है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इंक्लूड पैथोसैनिक एंथ्रोपोर्ट्स आर्थरोपोट्स इनमें से आपको बताना है कि कौन सा साइट्स जो है वो पैथोजोनिक आर्थोपोट्स का है सी इज़ करेक्ट आंसर जो एनिफिल्स हो गए कुलेक्स हो गए क्रेफिस हो गए आर्थरोपोट्स पैथोजेनिक इंक्लूड हैं इसमें लेंथ ऑफ पेट्यूल इंक्रीजेड ड्यू टू डेवियशन ऑफ तो जो पेट्यूल का लेंथ है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू तो किसके एंटरकेलेरी मेरेस्टम के विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियम इन्वॉल्व डेनाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है तो इसका आंसर है सूडोमोनास बैक्टीरिया <coughs> ओके एंड देन हम बात करें नाइट्रिफिकेशन में बात करें तो नाइट्रो ठीक है नाइट्रोसोम नाइट्रोबेक्टिया दोनों होते हैं विच करेक्टली मैच तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है नाइन्टी सेवन का बी है पिसी कल्चर जो है सिल्क मॉथ से रिलेटेड है ओके एंड नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज तो एंटीबायोटिक्स का यूज किस लिए किया जाता है एज सिक्वेंस फ्रॉम वेयर एप्लीकेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट है आ बेबी हैज़ बीन बोर्न विथ अ स्मॉल टाइल इन दिस केस एग्जिबिशन तो ये जो बेबी टाइल uh, के साथ जो बोर्न हुआ है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन ड्यूरिंग सीविस स्टेटमेंट uh, बायोगैस आर प्रोड्यूस विच इंक्लूड तो बायोगेस में क्या क्या होता है मिथेन हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डिऑक्साइड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ओके uh, okay, रिप्रोडक्शन uh, रिप्रोडक्टिव uh, रेप्रेड़ आइसोलेशन बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन इज कॉल्ड इसका आंसर सी इज करेक्ट आंसर पॉपुलेशन डाइबाजेंस नेक्स्ट है लेक्टोबोसिल्स मेडिएटेड कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड रिजल्ट बिकॉज ऑफ तो इसका आंसर है सी इज करेक्ट आंसर कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ मिल्क फैट्स फिर है कैर्सिनोमा रिफर्स टू जो कैर्सिनोमा है किसको रिफर्स करता है मेलिगनेन ट्यूमर्स ऑफ स्किन एंड म्यूकस मैमब्रेन को विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ज्यूरिंग एडम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड तो इसका आंसर है फेगमेंटेशन जो है वो करेक्ट कैरीड आउट बाई ऑर्गेनिज्म एज फॉर्म के द्वारा ये कैरी किया जाता है फोटोकेमिकल स्मोक फॉम्ड इज कंजेस्टेड मेट्रोपोलिटन सिटीज मेली कंसिस्ट ऑफ दिस का आंसर फाइव का सी इज करेक्ट आंसर हाइड्रोकार्बंस का, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांस इज जो रिवर्स ट्रांसक्रेप्टिज है वो क्या है वो है ए इज करेक्ट आंसर आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज विच वन ऑफ द फॉलोविंग पेयर्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया सो मैगजिम बायोडावर्सिटी इन आवर कंट्री तो इसका आंसर होगा ए सुंदरबन और रन ऑफ कच्छ नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑफ प्लाइडेंटिटी द प्लांट्स पार्ट हुज ट्रांसफर सेक्शन सोज क्लियरली एंड प्रोमिनेट पिथ तो जो क्या होता है प्लांट पार्ट को आइडेंटिफाई करना ट्रांसफर सेक्शन में शो करना क्लियर और प्रोमिनेंट पिथ को आंसर होगा बी इज़ करेक्ट आंसर होगा डाइकोटिस्टम और मोनोकोट रूट बोन मेरो इज़ मेडअप ऑफ जो बोन मेरो है वो किससे मिलकर बना है मसल फाइबर और फैटी टिश्यू एंड ब्लड वेसल से मिलकर बना है विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ लैब वैक्सीन तो इनमें जो क्या है पी सी जी जो वैक्सीन है वो लैब वैक्सीन नहीं है फिर नेक्स्ट है वन हंड्रेड एंड एलेवन जो क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर फार्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिट्स इज तो फार्मेशन uh, होना ग्लाइको प्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिट्स का वैक्न में होता है फीमेल कैमेट्स इन एंड जियफ इज दो एग है इसका आंसर इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट है विच सेट इज सिमिलर इनमें से कौन सा साइट जो है वो सिमिलर है सी इज़ करेक्ट आंसर बंडल्स ऑफ इज पेस मेकर इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो वन हंड्रेड फोर्टीन का बी है इन सेक्ट्स कंज्यूम पोलिन और नेक्टर विदाउट ड्रिंगिंग पॉलिनीशन कल्ड नेक्टर और रॉबर्स नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपलरी मसल्स आर फाउंड इन मेमिलियन तो पेपलरी मसिल्स जो है वो फाउंड होती है मेमिलियन में सो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इसका है वन हंड्रेड सिक्सटीन की बात करेंगे आप वोमेन विथ बी पॉजिटिव ब्लड मैरिड अ मैन भी था ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मतलब एक वुमेन है यदि वो एक ए बी पॉजिटिव की और उसने बी ए पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप से शादी कर ली उसकी उनकी जो माँ है दोनों की वो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसकी प्रॉबिलिटी क्या होती है कि ए बी जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप आएगा ऑफिस पे में वो क्या होगा वन हंड्रेड सिक्सटीन का जो आंसर है वो है बीस करेक्ट आंसर वन अपॉइन्ट सिक्सटीन नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑस्मोसिस इन ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्राम द रीजन तो इसका आंसर है लोअर डी पी डी टू द रीजन ऑफ हायर डी पी डी फिर थ्रो आ सेमी परमिएबल मैम्रेन ठीक है हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू एस पी एम नेक्स्ट है सोल्यूशन विथ लोअ सोल्यूट कंसनट्रेशन टू आ रीजन ऑफ हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन थ्रो आर एस पी एम वन हंड्रेड सेवनटीन का जो है बी एस करेक्ट आंसर फर्स्ट और सेकेंड होगा द सोर्स एंड द ट्रांसजेंट्स यूज इन डेवलपिंग बी टी कॉटन तो इसका बेसलेस थ्रेनजेंसेस है बायोफर्टाइट बीट इनमें से क्या है बायोफर्टाइट बीट वो है सोना सोनाली का नेक्स्ट है कंपाउंड आईज ऑफ काक्रोच आर एडॉप्टेड फॉर जो कंपाउंड आई है वो एडॉप्टेड की जाती है डाईरिनल मोजेक विजन विथ लेस रिजोल्यूशन बट मोर सेंसिटिव नेक्स्ट है फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ एनोलोगस ऑर्गन एनोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल क्या है तो इसमें वन ट्वेंटी वन का जो है बी इज करेक्ट आंसर स्केल लीवस ऑफ अनियन एंड स्पैंस ऑफ पियर फिर नेक्स्ट है वन हंड्रेड ट्वेंटी टू का एडनेट एंथस रिफर्स टू एडनेट एंथस रिफर्स टू बी इज करेक्ट आंसर फिलामेंट अटैच होल अलंग होल लेंथ से फिलामेंट अटेज ऑफ द एंथस चूज द मिस मैच अमंग द फॉलोइंग इनमें से आपको मिस मैच को चूज करना है वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री का जो क्वेश्चन आप आंसर होगा वो होगा डी सेपरेशन ऑफ आईलेट्स परमिशन ऑफ आईलेसिस एंड ऑफ नाइन मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फुल मेथड्स ऑफ कंट्रैक्शन कंट्रेपेसन विथ द लेस्ट साइड इफेक्ट्स येट दिस इज द लास्ट ऑप्शन टू द कपल बिकॉज उसका आंसर आपको ऑप्शन दिए हैं इट इज ऑलमोस्ट रिवर्सेबल ऑफ द मिसकनसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस एक्शन आर्ग्यू इट इज़ द सर्जिकल प्रोसेसर ऑफ लैक ऑफ सफिशियंट फैसिलिटीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री चूज द करेक्ट आंसर आपको बताने हैं इसका आंसर है सी इज करेक्ट आंसर थर्ड सेकेंड और फोर्थ इज करेक्ट विच पर्टिकुलर प्रोसेस वॉज यूज बाय एम मेस एफ टाही इन ऑर्डर टू स्टडी ऑफ सैमी कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ई तो इसका आंसर है सी डेंसिटी ग्रेजियंट कंट्रीफिकेशन इन लैक ऑपरेन द जीन्स ए आई वाई एंड जेड कोड रिस्पेक्टिवली फॉर सी इज करेक्ट आंसर ट्रांस ट्रांसस्टाइल परमीज बीटा गलेक्ट्रोसाइड एंड रिप्रेशर प्रोटीन फिर है स्रंकिन अपीयरेंस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज कॉल इसका आंसर है ए प्लाजमोलाइसिस करेक्ट डाबिन पिंकेज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेज तो इसका आंसर है बी इज करेक्ट आंसर एम्ब्रियोलॉजिकल आर्क्योप्रेक्टेरिक्स इज आ मिक्सिंग लिंक बिटवीन ये किसके बीच की लिंक में बिटवीन लिंक है इसका आंसर है वन ट्वेंटी नाइन का डी इज करेक्ट आंसर रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच का देन नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मीओसिस टू द सिस्टरक्रोमोसिट क्रोमोटिट्स बिगेन टू मूव टूवर्ड्स द पोल्स इनमें किस स्टेज में जो मीओसिस की जो सिस्टाक्रोमोटिक्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देती हैं पोल्स की ओर इसमें आंसर है डी एनाफेज स्टेज एनाफेज वन में ट्रांसप्लेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन टू सेव सर्टन पेशेंट अपन फेल्स ड्यू टू द रिजेक्शन ऑफ सच टिश्यू ऑर्गन बाय द पेशेंट तो ट्रांसप्लांटेशन करना टिश्यू और ऑर्गन का है ना और बचाना पेशेंट्स को फिर विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल टू फॉर द सच टाइप ऑफ रिजेक्शन के लिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्सिबल होता है तो इसका वन थर्टी वन का जो आंसर है वो है सी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज करेक्ट आंसर अब बायोलॉजिस्ट स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ फ्रैट इन आ ब्रांड ऑब्जर्व डेट एवरेज नॉटिलिटी वाज टू फिफ्टी एवरेज मोर्टिलिटी जो है टू फोर्टी है इमिग्रेशन है ट्वेंटी एमिग्रेशन है थर्टी नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज तो क्या होगा इसका वन थर्टी फा जो वन थर्टी टू का आंसर होगा वो होगा ए टेन सेलोलोज इज़ आ पॉलीमर ऑफ द सेलोलोज है वो पॉलीमर है डी करेक्ट आंसर बीटा प्रकटोज का ओरल कंट्रसेप्टिव पेल्स वे हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय इसका आंसर डी फॉर्मिंग बेरियर बिटवीन स्प्स एंड ओवा क्लास ऑफ एंजाइम्स जैम्स इन लाइसोसोम इज तो जो क्लास है एंड की वो कंटेंट करती है लाइसोसोम को वो कौन सी है बी इज करेक्ट आंसर लाइज इज करेक्ट आंसर तो यहाँ पे हमारे वन थर्टी फाइव कम्प्लीट होते हैं जो पी सी बी ग्रुप के हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को हमने डिस्कस किया आई होप सो आपके जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स डाउट थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे ये ऑफिशियल आंसर की से लिए गए हैं क्वेश्चन आंसर्स तो आई होप so आपको कोई डाउट्स नहीं होगा इनमें और